हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं करियर कैप्सूल और मैं हूं आपका दोस्त बिजेंद्र कुमार। एनटीए ने ऑफिशियल आंसर की, जेई मेन का ऑफिशियल आंसर की और क्वेश्चन पेपर रिलीज कर दिया है और ये भी रिलीज किया है कि आपने एग्जाम में कौन सा ऑप्शन टिक किया था, कौन सा ऑप्शन मार्क किया था और इसका एक लिमिटेड टाइम पीरियड भी दिया है। उसी टाइम पीरियड में आपको जाकर देख लेना है। अगर आप इसकी नोटिस पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा, इसकी वेबसाइट पर यहाँ पे दो नोटिस दिया हुआ है, पब्लिक नोटिस जो आपको पढ़ना चाहिए, जिसमें दिया हुआ है लास्ट डेट जब तक आप ये देख सकते हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है कि प्लीज लॉग इन एंड क्लिक लिंक फॉर द डिस्प्ले योर क्वेश्चन पेपर एंड योर रिस्पॉन्सेज। दिस फैसिलिटी विल रिमेन अवेलेबल फ्रॉम 13/1/2020 से 15/1/2020 अप टू 11:50 PM ओनली। आपको ये बात ध्यान में रखना चाहिए, आपको ये बात ध्यान में जरूर रखना चाहिए कि आप ये क्वेश्चन पेपर और आंसर की और अपना रिस्पॉन्स 13/1/2020 से 15/1 तक ही देख सकते हैं। तो आप लोग आज जल्दी जल्दी आप लोग जाइए और अपना क्वेश्चन पेपर और जो आपने रिस्पॉन्स मार्क किया है देखिए, ठीक है। तो चलिए मैं आपको एक डेमो दिखाता हूँ, एक स्टूडेंट का डाल कर दिखाता हूँ कि आप कैसे देख सकते हैं अपना क्वेश्चन पेपर और क्वेश्चन को कैसे चैलेंज कर सकते हैं, करेक्ट आंसर कैसे देख सकते हैं। तो मैं अभी जेई मेन की वेबसाइट पे हूँ, वहां पे आपको जाकर क्लिक करना है व्यू क्वेश्चन पेपर पे क्लिक करना है और उसके बाद आपके सामने दो ऑप्शन आएगा, थ्रू एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड एंड थ्रू एप्लीकेशन नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ। तो मैं एप्लीकेशन नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ पे क्लिक करता हूँ। इसके बाद यहाँ पे आपको अपना एप्लीकेशन नंबर डालना है, एप्लीकेशन नंबर डालने के बाद डेट ऑफ बर्थ डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आपको सिक्योरिटी पिन एंटर करना है, सिक्योरिटी पिन एंटर करने के बाद आपको साइन इन पे क्लिक करना है। जैसे आप साइन इन पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपका डैशबोर्ड खुल जाएगा, आपका पूरा पोर्टल खुल जाएगा जहां पे आपकी पूरी डिटेल्स दी हुई होगी, जहां पे क्या क्या दिया होगा मैं अभी तुरंत आपको दिखाता हूँ। ये कैंडिडेट पेज है, पूरा कैंडिडेट पेज ओपन हो जाएगा जहां आप देख सकते हैं कि आपका पूरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो आपने फिल किया था वो डिटेल्स भी है। और नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन पेपर, तो क्वेश्चन पेपर आप बीटेक पे क्लिक करेंगे तो इसके बाद आपको क्वेश्चन पेपर ओपन हो जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन पेपर और आपने इधर दिया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है, और इधर दिया हुआ है कि क्वेश्चन का टाइप क्या है और आपने कौन सा ऑप्शन चूज किया था और आपने स्टेटस क्या आंसर किया था कि नहीं किया था। तो इस बच्चे ने, जिस बच्चे का क्वेश्चन पेपर है, जिस बच्चे का मैं लॉगिन आईडी यूज कर रहा हूं, इसने इस क्वेश्चन का ऑप्शन 3 चूज किया था, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि आपने कौन सा ऑप्शन मार्क किया था, कौन सा ऑप्शन चूज किया था। अब मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आप करेक्ट आंसर की कैसे देखेंगे और आंसर की को चैलेंज कैसे करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको नीचे क्लिक टू चैलेंज आंसर की पे क्लिक करना है, ठीक है। और यहां आप देख सकते हैं, यहां आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर वन का पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, क्वेश्चन आईडी ये दिया हुआ है, करेक्ट ऑप्शन आईडी ये दिया हुआ है। तो आपको फिर से यहां जाना पड़ेगा और फिर यहां जाके आपको मैच कराना पड़ेगा कि देखो क्वेश्चन आईडी क्या है, क्वेश्चन आईडी के लास्ट में 51 है। तो यहां देखो आपको यहां दिख रहा है, यहां दिख रहा है क्वेश्चन आईडी, आपको दिख रहा है क्वेश्चन आईडी देखना है, उसके बाद आपको ऑप्शन आईडी देखना है, करेक्ट ऑप्शन आईडी आपको यहां दिया हुआ है, करेक्ट ऑप्शन। तो इस तरह से मैच करा के आप आंसर देख सकते हैं, ठीक है, इस तरह से मैच करा के आप आंसर देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आंसर गलत है, आप क्लेम करना चाहते हैं, तो इस ऑप्शन पे टिक करके क्लेम कर सकते हैं, ठीक है, टिक करके आप क्लेम कर सकते हैं। तो ये क्लेम करने का तरीका है, आप क्लेम तभी करें जब आप पूरी तरह से एश्योर हो कि नहीं आपका आंसर एकदम सही है और एनटीए गलत आंसर दे रहा है, जेई मेन गलत आंसर दे रहा है। तब जब तक आप पूरी तरह से श्योर ना हो, आंसर को क्लेम करने की, चैलेंज करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से जाकर आप देख सकते हैं, क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं और जो आपने ऑप्शन आंसर किया है वो देख सकते हैं और आंसर भी मैच करा सकते हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग ये पूरा पेपर अच्छे से 2-3 बार जरूर सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि जेई मेन का जो अप्रैल वाला एग्जाम है ना, उसमें इस क्वेश्चन पेपर से बहुत ज्यादा सवाल आने वाले हैं। डायरेक्ट कॉपी पेस्ट नहीं आएगा, लेकिन पैटर्न रिपीट होगा, जिस पैटर्न पे इसमें जेई मेन के जनवरी वाले में क्वेश्चन आया है, उसी पैटर्न पे अप्रैल वाले में आएगा। जैसा कि अगर क्वेश्चन पेपर आप लोग देखिएगा तो डे वन में नंबर ऑफ काइरल कार्बन इन क्रोलम फेनिकॉल पूछा था और डे 2 में नंबर ऑफ काइरल कार्बन इन पेनिसिलिन पूछ दिया था। तो काइरल कार्बन ही पूछ रहा है और कंपाउंड चेंज कर दिया, दोनों कंपाउंड कहां से थे,
केमिस्ट्री इन एवरी डे लाइफ से थे, तो आपको क्या एक हिंट मिल रहा है कि आपको जो केमिस्ट्री इन एवरी डे लाइफ के जितने भी इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं उनका उनका पूरा स्ट्रक्चर आपको याद रखना है, और स्ट्रक्चर में जितनी पॉसिबल चीजें जैसे हाइब्रिडाइजेशन, काइरल कंपाउंड्स, काइरल कार्बन, ये सारी चीजें, हाइब्रिडाइजेशन, नंबर ऑफ काइरल कार्बन, स्ट्रक्चर, ज्योमेट्री, शेप, ये पूरा क्लियर होना चाहिए क्योंकि इसी के बेसिस पे जेई मेन सवाल पूछ रहा है। तो आपको पता लग गया कि इसी के बेसिस पे सवाल पूछा जा रहा है, तो आप ऐसे सवालों को टैकल करो, अभी से करो, ये मत सोचना कि जब 10 दिन बचेगा तब करूंगा। पेपर को अभी से अच्छे से सॉल्व करो, और जो जो कॉन्सेप्ट इस पेपर में यूज हुआ है पूरा पेपर आप लोगों को अवेलेबल हो जाएगा, हर एक शिफ्ट का पेपर अवेलेबल हो जाएगा, हम अपने चैनल पे भी डाल देंगे। तो पूरा पेपर आप लोगों को दो बार बनाने की जरूरत है, और जो भी कॉन्सेप्ट उस क्वेश्चन में यूज हुआ है वो कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर करने की जरूरत है, वो कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए ताकि उस कॉन्सेप्ट पे कोई भी सवाल आए तो आप कर सको। तो अभी आपके पास मौका है कि आप अपना मार्क्स कैलकुलेट कर सकते हो, आप यहां से आंसर की देखकर मार्क्स कैलकुलेट कर लो, और जैसे ही आप मार्क्स कैलकुलेट करते हो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा जेई मेन परसेंटाइल प्रेडिक्टर और रैंक प्रेडिक्टर का, तो आप लोग उस लिंक पे क्लिक करो या हमारी वेबसाइट www.careercapsule.in पे जाना है आपको, careercapsule.in पे जाना है। यहां पे आप जाओगे तो वहां पे आपको दिखेगा AI पावर JEE मेन 2020 परसेंटाइल प्रेडिक्टर, AI पावर JEE मेन 2020 रैंक प्रेडिक्टर, ठीक है। तो यहां जाकर आप अपना मार्क्स डालोगे, और मार्क्स डालने के बाद आप आसानी से अपना परसेंटाइल प्रेडिक्ट कर सकते हो। इसमें हम शिफ्ट नंबर नहीं पूछ रहे हैं, शिफ्ट नंबर क्यों नहीं पूछ रहे हैं, क्योंकि एग्जैक्ट परसेंटाइल प्रेडिक्ट करना पॉसिबल नहीं है। तो हमने क्या किया है, हमने ये मान लिया है कि सभी शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर सेम लेवल का आया था, जो लगभग आया था, सभी शिफ्ट में सेम टाइप के बच्चे अपीयर हुए थे। तो अगर ये हम मान लेते हैं तो शिफ्ट नंबर का कोई यूज नहीं रह जाएगा, ठीक है, क्योंकि परसेंटाइल का जो कॉन्सेप्ट आया था इसीलिए आया था कि अगर दो पेपर में, दो शिफ्ट में डिफरेंट टाइप के, डिफरेंट लेवल के क्वेश्चन आते हैं तो उसमें क्या होगा कि किसी कमजोर बच्चे का अच्छा नंबर आ जाएगा और अच्छे बच्चे का खराब नंबर आ जाएगा, इसीलिए परसेंटाइल का कॉन्सेप्ट आया था, ठीक है, इसीलिए परसेंटाइल का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ था। तो ये फाइंड करना पॉसिबल नहीं है कि किस शिफ्ट में इजी क्वेश्चन आया था, किस शिफ्ट में टफ क्वेश्चन आया था, और उस शिफ्ट में कैसे बच्चे अपीयर हुए थे, ये फाइंड हम नहीं कर सकते, दैट इज इम्पॉसिबल। तो इसीलिए हम शिफ्ट नंबर इसमें नहीं ले रहे हैं, बट हमने ट्राई किया है कि आपका परसेंटाइल मोस्ट एक्यूरेट, जितना एक्यूरेटली पॉसिबल हो उतना हम प्रेडिक्ट करके आपको दें। और दूसरी एक अनाउंसमेंट है कि जैसे ही जेई मेन या एनटीए आप लोग का परसेंटाइल अनाउंस करेगा, हम लोग एक रैंक प्रेडिक्टर लॉन्च करेंगे, और रैंक प्रेडिक्टर लगभग आपका एक्यूरेट रैंक प्रेडिक्ट करके बताएगा, ठीक है। तो आप लोग वेट कीजिए, जैसे ही परसेंटाइल लॉन्च होगा उसी दिन हमारे चैनल पे आना, हमारी वेबसाइट पे जाना, आपको परसेंटाइल से रैंक निकालने का प्रेडिक्टर मिल जाएगा, और आपको लगभग 98% एक्यूरेट रिजल्ट देगा, क्योंकि ये हम पहली बार नहीं कर रहे हैं, लास्ट ईयर भी हमने रैंक प्रेडिक्टर बनाया था और उसको लगभग 20-30 हज़ार बच्चों ने यूज किया था, ठीक है। तो आप लोग वेट करो कि जेई मेन कब परसेंटाइल लॉन्च कर रहा है, कब परसेंटाइल रिलीज कर रहा है, क्योंकि परसेंटाइल बताना हमारे और आपके बस में नहीं है, कोई भी ऐसे अनुमान ही लगा सकता है, बट ये जो परसेंटाइल प्रिडिक्टर है दैट इज बेस्ड ऑन द डेटा एनालिसिस, ये डेटा एनालिसिस पे बेस्ड है, लास्ट ईयर के डेटा को इनपुट करके बताया जा रहा है, जो लास्ट ईयर का डेटा था कि कितने नंबर पे कितना परसेंटाइल बन रहा था, उससे इस मॉडल को, इस एआई के मॉडल को ट्रेन किया गया और तब आंसर बताया जा रहा है। तो जितने दूसरे लोग आपको बताएंगे उससे ज्यादा एक्यूरेट तो ये पक्का बताएगा, तो आप लोग इसको यूज करो, और आपका जितना भी नंबर आ रहा है आप कमेंट करके हमें जरूर बताओ, क्योंकि हमें भी इंतजार रहेगा कि हमारे बच्चों का जो एग्जाम दिए हैं उनका कितना नंबर आ रहा है, और हम आपको ऑल द बेस्ट बोलते हैं कि आपका अच्छा नंबर एग्जाम में आए, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही गाइस, अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट करके जरूर हमें बताओ, हम आपको पूरे दिल से रिप्लाई जरूर करेंगे, ठीक है। तो बाय बाय, इस वीडियो में इतना ही, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी जरूर कर दीजिएगा, बाय बाय।